हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो 10 बातें जो अगर आपको प्रेगनेंसी से पहले पता हो तो आप काफी हद तक प्रेगनेंसी के दौरान और बाद में होने वाली प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्टॉप टेकिंग बर्थ कंट्रोल पिल्स। अगर आप मां बनने की तैयारी कर रही हैं तो सबसे पहले आप अगर बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं तो वो बंद कर दें ताकि आपकी बॉडी मां बनने के लिए तैयार हो सके। क्योंकि जैसे ही आप पिल्स लेना बंद करती हैं आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है, तो आप अपनी बॉडी को पूरा टाइम दें ताकि वो मां बनने के लिए तैयार हो सके। इसके साथ ही हमारा अगला पॉइंट है स्टॉप स्मोकिंग, यानी धूम्रपान छोड़ दें। आप जानते ही हैं कि स्मोकिंग हमारे लिए कितनी इंजूरियस है, पर क्या आप जानते हैं कि ये आपके होने वाले बच्चे के लिए उससे भी ज्यादा खतरनाक है? इससे होने वाले बच्चे के हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है और अगर टाइम से स्मोकिंग ना छोड़ी जाए तो इससे मिसकैरेज तक हो सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि पैसिव स्मोकिंग भी उतनी ही खतरनाक है जितने की एक्टिव स्मोकिंग, यानी कि अगर आपके आसपास भी कोई स्मोक कर रहा है तो उससे होने वाले धुएं से भी आपको उतना ही नुकसान है जितना कि आप खुद स्मोक करें उससे। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग और या फिर धूम्रपान छोड़ने की सलाह दी जाती है। अगला पॉइंट है कट डाउन ऑन कैफीन, यानी कि कॉफी की मात्रा में कमी कर दें। अगर आप कॉफ़ी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो यह बच्चे की सेहत के लिए तो हानिकारक साबित होती ही है और इससे शरीर में गर्मी भी ज़्यादा पैदा होती है। इसलिए शुरुआत से ही अगर आप कॉफ़ी की आदत में कमी कर दें तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। हमारा अगला पॉइंट है स्टार्ट टेकिंग एम्पल अमाउंट ऑफ स्लीप, यानी कि पूरी नींद लेना शुरू कर दें। प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज है जिसमें आपको पता नहीं होता कि आपकी प्रेगनेंसी किस तरह से जाने वाली है या फिर आपको प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होने वाली हैं। लेकिन जब आप माँ बनती हैं तो उस वक्त माँ और बच्चे दोनों को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में टाइम लगता है। आपको शुरुआत के दिनों में रातों को जागना पड़ सकता है, तो इसीलिए आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। वो स्लीपिंग पैटर्न आपका बच्चे के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप शुरुआत से ही पूरी नींद लेना शुरू करेंगे तो आपको अपने नए बच्चे के साथ एडजस्ट करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। इसके साथ ही हमारा अगला पॉइंट है स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, यानी कि अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू करें। कहा जाता है कि आजकल की जनरेशन फास्ट फूड की दीवानी है और वो फास्ट फूड की तरफ ही ज़्यादा इंक्लाइंड है, जिसका होने वाले बच्चे पर नेगेटिव असर आता है। बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर भी पैदा हो सकता है, इसलिए अगर आप हेल्दी डाइट लेंगी तो ये आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए ही वरदान साबित होगी। अत्यधिक तला हुआ या मैदे से बना हुआ पकवान छोड़ देना चाहिए और जिससे कि आप और आपका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसके साथ ही अगला पॉइंट है गेट अ जनरल चेकअप। आप अपना जनरल हेल्थ चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि मां बनने से पहले आप अपना और अपने पार्टनर का अगर आप जरूरी हेल्थ चेकअप करा लेती हैं तो इससे क्या होता है कि इंश्योर हो जाता है कि आप दोनों स्वस्थ हैं और प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है। आप अपने डॉक्टर से उन दवाओं के भी नाम पूछें कि जो आप प्रेगनेंसी के दौरान ले सकते हैं और या फिर नहीं ले सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू भी है तो भी आप उसे अपने डॉक्टर से ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अगला पॉइंट है, जी हाँ, नए कपड़े खरीदने बंद कर दें। प्रेगनेंसी के दौरान आपको पता ही है कि आपका वजन बढ़ता ही है, इसीलिए आपको नए कपड़े खरीदना बंद कर देना चाहिए। हाँ, आप कुछ ढीले लूज फिटिंग के क्लोथ जरूर खरीद सकते हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान आराम देंगे। चलिए, हमारा अगला पॉइंट है विजिट योर डेंटिस्ट। आपको लग रहा होगा कि हमारे दांतों का हमारी प्रेगनेंसी से क्या वास्ता, बट नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप माँ बनती हैं तो आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से आपके गम्स में ब्लीडिंग या दांत में दर्द हो सकता है, और अगर आप रेगुलर हाइजीन मेंटेन नहीं करती हैं तो यह प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि काफ़ी डॉक्टर्स 6 महीने के बाद आपके दांत का इलाज नहीं करते, इससे बच्चे को नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है रीसेट योर स्लीपिंग साइकिल। अगर आपको देर तक सोने की आदत है तो आप तुरंत ये आदत बदलने की कोशिश करें, क्योंकि बीइंग अ न्यू मदर आपको अपने बच्चे की देखभाल के लिए किसी भी वक्त उठना पड़ सकता है, तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहें। हमारा 10वां और आखिरी पॉइंट है ट्राई टू मेंटेन योर वेट।
अब बात आती है जब वजन की, अगर आपका वजन बहुत कम है या आपका वजन बहुत ज्यादा है तो भी आपकी प्रेगनेंसी में और डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप अपना हेल्दी डाइट मेंटेन करें और जिससे आपका वजन भी कंट्रोल रहे। इसके साथ ही उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप्स आपकी इस ब्यूटीफुल जर्नी में आपको हेल्प करेंगे। अगर अच्छे लगे हों तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।